बिग बॉस ओटीटी में अब घर के अंदर जहां झगड़े हो रही हैं वहीं कुछ कनेक्शन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कनेक्शन स्टेज पर लड़के लड़की के बीच में बनाए गए इस घर में बने रहने के लिए, वहीं लोगों ने अब अपने दोस्त चुन लिए हैं। रिद्धिमा जो है शमिता और नेहा भसीन के साथ जेल करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आज जब उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरह रो पड़ी। अप्रैल में उन्होंने अपनी मदर को खोया है और इसी बात का जिक्र जो है वो कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार जो है बिग बॉस से ऑफर आ रहे थे लेकिन मैं पिछले साल भी नहीं कर पाई, मैं कर ही नहीं पा रही थी और अच्छा है मैंने नहीं किया। अप्रैल में मेरी मदर जो है हम सबसे दूर चली गई। उसके बाद उन्होंने उनकी मदर से जुड़े जो है किस्से बताए कि कैसे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो बार बार ये सोच रही थी खुद को संभाले, अपनी बहन को संभाले। फिर वो कहती हैं जब मैंने अपनी मदर को देखा वो 5 साल से जो है बीमारी से लड़ रही थी और कई बार इससे भी ज़्यादा गंभीर होकर, वो कुछ नहीं हुआ उन्हें लेकिन जब उनका निधन हुआ तब इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी तो इस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन जब मैंने अपनी मदर की बॉडी को देखा तो मुझे लगा मैं क्यों रो रही हूँ, वो बेचारी कितना फाइट कर रही थी और मैं ऐसे में इतनी स्वार्थी कैसे हो जाऊँ कि कहूँ कि नहीं तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद वो बताती हैं कि कैसे 14 दिन के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे वो धीरे धीरे जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग गई। जैसे उनकी मदर के जाने के बाद जो है उनका फेवरेट गाना कहीं से बज जाता था, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे उन्हें लगता था कि उनकी मदर जो है उनके आसपास ही है। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए वो नेहा के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। नेहा ने उन्हें कहा कि कई बार रोना जो है कमज़ोरी की निशानी नहीं होता है, हम किसी को याद करके रोते हैं तो इस बारे में बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, हमारे मन में जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो इस तरीके से रिद्धिमा कल से लेकर अभी तक जो है अपनी मदर को लगातार याद कर रही हैं और उनका जो इमोशनल कनेक्शन है मदर के साथ वो शो में दिख रहा है।